वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिकन नेवी एक ऐसा शिप का अनाउंसमेंट करती है जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। जहां पे एक कॉम्बैट शिप को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वहीं पे ये शिप पर समंदर के ऊपर उड़ते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर रही थी, क्योंकि ये शिप लहरों को चीरते हुए जिस तरीके से समंदर पर चल रही थी वो सुनने के बाद तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी ने इस शिप को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया? अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम आपका मिस्ट्री अल्टीमेटम के इस वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 1960 के बाद में जब अमेरिकन नेवी और सोवियत यूनियन के बीच एक घमासान मुकाबला चल रहा था जिसमें दोनों ही देश अपनी अपनी ताकतों का मुजाहरा पुरजोर तरीके से कर रहे थे। हर देश इस कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे दुनिया के सामने अपने देश को ताकतवर बताए। ये वो वक्त था जब दुनिया का हर देश अपनी अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने पेश कर रहा था जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। यूएस नेवी देश का एक ऐसा हिस्सा था जिसने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से रौब जमाया हुआ था, और इस चीज़ को देखकर सोवियत यूनियन भी कहाँ पीछे हटता। सोवियत यूनियन ने भी रातों रात यूएस नेवी के होश उड़ाने वाला कारनामा कर दिखाया जिसने यूएस नेवी को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया था। सोवियत यूनियन ने एक इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज पे मबनी सबमरीन बनाना शुरू कर दी जो एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, और सोवियत यूनियन को इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा था कि जब ये सबमरीन पानी पर उतरेगी तो अमेरिका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सबमरीन इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी थी कि ये पानी के अंदर 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती थी, और ये सबमरीन 350 मीटर की गहराई में जाकर यूएस नेवी के रडार को भी चकमा दे सकती थी। और जैसे ही ये बात यूएस नेवी को पता चली तो यूएस नेवी वाले ये चीज़ ज़रूर समझ गए कि इस सबमरीन के ज़रिए सोवियत यूनियन कभी भी उन पर हमला कर सकता है, वो भी बहुत खामोशी के साथ। सोवियत यूनियन की इस सबमरीन को देखने के बाद यूएस नेवी बस इसी सोच में पड़ गया था कि हम ऐसा क्या करें जिससे इस सबमरीन का टेंशन हमारे दिमाग से निकल जाए। इसी टेंशन में अमेरिकन नेवी ने एक ऐसी शिप बनाने का फैसला किया जो सोवियत यूनियन की इस सबमरीन से भी ज़्यादा तेज़ चले। अमेरिकन नेवी की इस खोज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आकर जुड़ जाती है। जर्मनी के एक इंजीनियर 1906 में ही एक ऐसी बोट बना चुके होते हैं जिसको अपने खुद के विंग्स होते हैं, और ये शिप अपने विंग्स के जरिए से समंदर पे उड़ पाती है। इस जर्मन इंजीनियर ने अपना डिज़ाइन यूएस नेवी के सामने रखा जिसको उस इंजीनियर ने हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू हुआ वैसे वैसे इस विंग्स वाली टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा गया और ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी होने लगी। यहाँ तक के बहुत सारी छोटी मोटी बोट्स में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। यूएस नेवी को ये डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला था जिसने यूएस नेवी को सोचने पर मजबूर कर दिया, यानी लेक्स में ही चल सकती थी। ये बोट सिर्फ थमे हुए पानी में ही बहुत ज़्यादा तेज़ चल सकती थी, और यूएस नेवी को इसे जहाँ चलाना था वहाँ पे लहरें इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी कि इस बोट का वहाँ पे चल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। जब इस डिज़ाइन को यूएस नेवी के कुछ इंजीनियर्स ने देखा तो इन्होंने इस शिप में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। यूएस नेवी के इंजीनियर्स ने इस बोट के इनर विंग्स को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया ताकि जब लहरों का पानी इसे लगे तो ये बोट की फ्लैट सरफेस से गुजरकर निकल जाए, जिसकी वजह से बोट की रफ्तार को कोई फर्क ना पड़े और ये बिल्कुल मक्खन की तरह समंदर की लहरों में भी गुजर जाए। और इस नए डिज़ाइन की वजह से ये बोट अपनी रफ्तार को बहुत स्मूथली मेंटेन रख पाती थी। बस इस बोट में एक ही मसला था कि इस बोट में मौजूद इन विंग्स को कैसे भी करके सीधे रखने थे ताकि ये बोट अपनी रफ्तार से चलते रहे, और यूएस नेवी के इंजीनियर्स ने इन पर काम किया और इस बोट को भी बनाकर दुनिया के सामने 1960s में रख दिया। और अब यूएस नेवी को इस चीज़ का पूरा यकीन हो चुका था कि यही वो शिप है जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर सबमरीन का सामना कर सकती है, और अगर उनका पीछा भी करने की नौबत आती है तो बहुत आसानी से उस सबमरीन की रफ्तार से भी तेज़ उसका पीछा कर सकती है। साल 1970 आने तक यूएस ने इस शिप के बहुत सारे
प्रोटोटाइप बना चुके थे, जिसमें सबसे ज्यादा वजनी और सबसे ज्यादा ताकतवर और कमाल की बोट थी यूएसएस प्लेन व्यू, जिसका वजन 320 टन था। और ये दुनिया की एक वाहिद ऐसी शिप थी जो हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप थी। ये बोट इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी कि इसमें एक फाइटर जेट का इंजन लगाया गया था, और इस शिप का इंजन 14,000 हॉर्स पावर का था। ये शिप समंदर पे तो बहुत आसानी से नॉर्मल बैटल शिप की तरह चल जाया करती थी, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी होती थी तो इसके विंग्स हाइड्रोलिक्स को खोलना पड़ता था। और इतनी ज़्यादा खूबियों की वजह से ये बोट 91 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से समंदर की लहरों को चीरते हुए मक्खन की तरह निकल जाती थी। यानी ये शिप सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आर ज़्यादा। तो यूएस नेवी ने यह फैसला किया कि अब ऐसी और 4 शिप बनाएंगे और सोवियत यूनियन के खिलाफ उतारेंगे। लेकिन इन 4 शिप्स को बनाने में पूरे 14 साल लग गए, और इन 14 सालों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद हो चुकी थी जो इस शिप के खर्चे से बहुत कम खर्चे में मौजूद थी, और इसी के साथ इस्तेमाल करने में भी बहुत ज़्यादा आसान थी। यानी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन की इस सबमरीन को बहुत आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सकता था। यानी जिस मकसद के लिए इस शिप को बनाया गया था वो अब एक दूसरे और आसान तरीके से भी किया जा सकता था। इस कंपैरिजन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो ये शिप ज्यादा हैवी सामान नहीं उठा सकती थी। यानी जंग में यूएस नेवी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और इसके हाइड्रोलिक्स विंग्स की वजह से ये शिप फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस शिप को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, क्योंकि यूएस नेवी में कई लोग इस शिप के प्रोजेक्ट के खिलाफ भी हो चुके थे। क्योंकि यूएस नेवी में कोई ये नहीं चाहता था कि एक ऐसी चीज पर नेवी का पैसा इस्तेमाल हो जो बहुत कम कॉस्ट में भी आज के दौर में मुमकिन है। इसलिए इस चीज का फैसला लिया गया कि इस शिप को हमेशा हमेशा के लिए यूएस नेवी ने डी कमीशन कर दिया। ये थी एक नाकामयाब फ्लाइंग शिप की कहानी। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में मौजूद उस घंटे को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।